बिल्ली बिल्ली है, बिल्ली है। हाँ जी बिल्ली है, बिल्ली लोग चाउमीन बोल रहा है। चौमिन खाने के लिए बोल रहे हैं। तो राधे राधे, नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और नए ब्लॉग वीडियो में। सो दोस्तों, इस वीडियो को ना इवनिंग से स्टार्ट कर दे रहे हैं और आप लोग दोस्तों अभी देख सकते हैं गुड़िया जी का दोस्तों ड्रेस। और गुड़िया जी ना कुछ देर पहले जो कि पूजा करके आए हैं, क्योंकि दोस्तों आज है जो कि सोमवार। कहें कैसा लगा पूजा करके गुड़िया जी? पूजा करके तो बहुत ही अच्छा लगता है, दिल को शांति मिलते हैं, सुकून, आत्मा को दोस्तों शांति मिलते है ना, इसलिए दोस्तों पूजा किए जाते हैं। क्या हुआ? और इधर दोस्तों घास जो जमे हुए थे ना, इसे छीले हम और छील करके इकट्ठा कर दिए, और ये दोस्तों सूख जाएंगे ना, उसके बाद इसमें से जो भी घास है इसे ओल करके ना निकालेंगे और मिट्टी दोस्तों यहीं पे रहने देंगे और घास है जो कि निकल जाएंगे। जब घास सूख जाएंगे तो चढ़ने के लिए बोल का? एक दिन चढ़ा दिए है ना, हाँ इसी की वजह से फिर दोबारा बोल रहा है। हाँ, विराट को दोस्तों एक दिन चढ़ा दिए थे ऊपर छत पे, यहाँ पे अल्वेस्टर पे, तो इसीलिए बोल रहा है फिर चढ़ाने के लिए। नहीं, उस पे अथी है, बिल्ली है, बिल्ली 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 है, बिल्ली है। हाँ जी बिल्ली है, बिल्ली बिल्ली है। और शाम का दोस्तों मौसम देख लीजिए हमारे यहाँ का, हाँ बहुत ही दोस्तों अच्छे की हुए। और क्या ही दोस्तों नजारा है शाम का, बहुत ही दोस्तों मस्त लगता है व्यू शाम का समय वाला, है ना? बिल्ली 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 हो गए हैं तो पूजा करके आए हैं, तो सब लोग थे जो कि पी लिए, बस चीकू के पापा जी के लिए खाना है जो कि बनाना है। हाँ, तो दोस्तों खाना बनाने से पहले गुड़िया जी हैं जो कि संझौत दिखा दे रहे हैं, जो शाम का दोस्तों संझौत होते हैं ना वो दिखा दे रहे हैं। तो गुड़िया जी ने जो कि संझौत दिखा दिए, अब जल्दी जल्दी खाना बनाइए, हम आता हूँ थोड़ा मार्केट से, और खिड़की वाले जो मतलब बोले हैं ना खिड़की बनाने के लिए, उनको से भी बात उठ करके आता हूँ, ठीक है? हाँ, शाम हो गया, क्योंकि दोस्तों खिड़की लगाना बहुत ही जरूरी है, तो मैं जा रहा हूँ जो खिड़की बनाते हैं ना वहाँ पे। तो दोस्तों अभी ना पूरा है जो कि शाम हो गए हैं, देख लीजिए आप लोग, अंधेरा अंधेरा टाइप के हो गए हैं, और चीकू के पापा जी चले गए हैं मार्केट, वो खिड़की बनवाने के लिए बोलने के लिए चले गए हैं, क्योंकि वो खिड़की खुला रहते हैं तो इसी में सामान रखे हुए हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होते हैं, तो चीकू के पापा जी चले गए हैं कहने के लिए, और अभी हम आए हैं चापाकल पे पानी लेने के लिए, तो अभी लेकर चलते हैं खाना बनाने के लिए। बहुत भारी है, और देखते हैं कब आते हैं चीकू के पापा जी। दोस्तों बाल्टी में पानी जो कि फूल ले लिए हैं, इसीलिए हमसे टंगा नहीं रहा है, बहुत भारी लग रहे हैं, और आज जो कि खाना भी नहीं खाए हैं तो इसीलिए और भी शक्ति नहीं मिल रहे हैं, ताकत। तो अभी चले आए हैं हम किचन रूम में, और अभी पानी देखिए यहाँ पे रख देते हैं, और यहाँ पे गैस चूल्हा और बर्तन उतर हैं जो कि सब वाश कर दिए हैं, बस अब खाना है जो कि बनाते हैं चीकू के पापा जी के लिए, तो इसी छोटी तसली में बना देते हैं उनके लिए और चीकू के लिए। और देखिए हमारे यहाँ घर में बकरी आई हुई है सामने, शाम के समय और चीकू विराट ना उधर बाहर है जो कि खेल रहे हैं, चावल के लिए तसली में अदन है जो कि दे दिए हैं, और छोटा वाला चूल्हा पे चढ़ाए हैं, क्योंकि बड़ा वाला पे बहुत ज़्यादा गैस निकलता है, बस थोड़े सा ही खाना बनाना है तो छोटा वाला गैस पर, छोटा वाला चूल्हा पर है जो कि चढ़ा दिए हैं। वो अभी चलते हैं चावल है जो कि निकाल लेते हैं, अभी चावल है जो कि निकाल लिए हैं, और इस रूम में से ना सामान है जो कि निकाल दिए हैं तो खाली खाली दिख रहे हैं, तो अभी हम चावल है जो कि फटाक लेते हैं। और अब अंधेरा है जो कि हो रहे हैं, अंधेरा हो गए हैं बस थोड़ा थोड़ा और हो रहा है। सो दोस्तों चावल है जो कि चुन लिए हैं, और अभी ना इसमें पानी डालते हैं और लेकर चलते हैं चापाकल पे धोने के लिए, क्योंकि यहाँ पे पानी है जो कि कहाँ गिराएंगे, तो इसीलिए चापाकल पर ही लेकर चलते हैं, वहाँ से बढ़िया और दो तीन पानी से धो देंगे चापाकल को चलाकर तो साफ हो जाएंगे हैं, और अभी चलते हैं डाल देते हैं, और उसके बाद जो कि आलू है जो कि धोकर डाल देंगे। पे अदहन भी हो गए हैं पानी में उबाल है जो कि आने लगे हैं, और अभी डाल
सो दोस्तों आलू भी धोकर लेकर चले आए हैं और इसे भी डाल देते हैं आलू, ताकि आलू चावल एक ही साथ हो जाए। विराट जो कि आ गया खेत से, आलू तुम खाओगे आलू? और चिक्कू जो कि नहीं आए हैं, चिक्कू जो कि अभी नहीं आए हैं और विराट जो कि आ गया है और चिक्कू के पापा जी भी अभी नहीं आए, अभी इसे चला देते हैं। सो दोस्तों चावल और आलू जो कि डाल दिए हैं और चिक्कू के पापा जी भी चले आए हैं। ये देख लीजिए मार्के से हो गया काम आपका, हो गया वो दे दिए, ऑर्डर दे दिए हैं बनाने के लिए। जो भी मीठा लाए हैं स्पंज दोस्तों, अभी गुड़िया जी जो कि खा रहे हैं, स्पंज खाओ, स्पंज स्पंज खाने के लिए बोल ही नहीं रहा है। ये चाउमीन लाए हैं? चाउमीन नहीं, ये लोग चाउमीन बोल रहा है, चाउमीन खाने के लिए बोल रहे हैं। कैसा लग रहा है स्पंज खा के गुड़िया जी? अच्छा लग रहा। तो हमारे यहाँ दोस्तों सोमवारी करते हैं ना, तो स्पंज है जो कि जो व्रत कर कई हो रहते हैं वो मीठा चीज खा सकते हैं। चाउमीन है दुकान में? मैगी से। अच्छा मैगी को, मैगी खाओगे? मैगी नूडल्स ठीक है, बना दीजिए इन लोग के लिए। आते हैं लेकर के। विराट दोस्तों नूडल्स खाने के लिए बोल रहा है, उसी को दोस्तों चाउमीन बोला। बेंगे किधर है बेंगे? उधर जो कि हम बना लिए हैं उस चावल और मार और यहाँ पे आलू की चोखा जो कि लगा रहे हैं और हम कपड़ा भी चेंज कर लिए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहे थे, ब्लाउज साड़ी और ब्लाउज पहने हुए थे तो अभी हम चोखा लगा दे रहे हैं और चिकू के पापा जी के लिए खाना निकाल देंगे। जो कि गुड़िया जी बना दिए हैं और अब दोस्तों हो गए हैं खाने का टाइम। दोस्तों टाइम हो चुके हैं 8:30, इसी समय दोस्तों हम लोग जो कि खाना खाते हैं। कभी कभी दोस्तों मतलब जल्दी खा लेंगे इससे पहले ही, कभी कभी दोस्तों 9 भी रात बज जाते हैं। चलिए आज से दोस्तों मस्त खाना बनाए, चोखा और चावल और मार, बहुत ही दोस्तों टेस्टी लगता है। किन किन को दोस्तों लगता है आप लोग कमेंट कर बताइएगा। और इसके सर 5 दिन के बाद या 10 दिन के बाद खाइएगा ना तब अच्छा लगते हैं। हाँ अब डेली खाइएगा तो उतना अच्छा नहीं लगते हैं, मतलब बहुत दिन के बाद खाइएगा ना तो अच्छा लगता है। कोई भी चीज़ मतलब डेली, अब डेली कोई चीज़ खाते रहेगा डेली तो उतना अच्छा नहीं लगेगा, मतलब कभी कभी छोड़ छोड़ के खाइएगा तब दोस्तों अच्छा लगते हैं। तो चलिए दोस्तों अभी खाना वगैरह लगा दिए तो बैठ कर खाऊंगा। सो दोस्तों अभी तीनों लोग के लिए हम खाना जो कि निकाल दिए हैं, मार भात चोखा, और अभी तीनों लोग हैं जो कि बैठ के खा रहे हैं, विराट भी, चिक्कू भी और चिक्कू के पापा जी भी, और विराट को ना गोद में बैठा कर खिला रहे हैं। डेली दोस्तों खिलाना पड़ता है ऐसे ही, नहीं तो खाएगा ही नहीं खुद से। हाँ डेली खिला, हमसे नहीं खाता है, जब चिक्कू के पापा जी खिलाते हैं ना तो खा लेता है। और देख लीजिए कैसे मुंह करके खा रहा है, अच्छा लग रहा है, है? अच्छा लग रहा है दोस्तों इसको। डेली जल्दी जल्दी से आप लोग खाइए। हाँ चलिए मेरी फैमिली अभी खाना वाना खाते हैं उसके बाद दोस्तों आप लोग। The next day. So, मेरी फैमिली इस वीडियो को ना नेक्स्ट दिन शूट कर रहे हैं, रात में दोस्तों चोखा भात बनाए थे तो वो खाए और सो गए थे। और अभी का दोस्तों नज़ारा आप लोग यहाँ का देख सकते हैं और मौसम दोस्तों काफी ज्यादा दोस्तों अच्छे क्यों हुए, अच्छे का मतलब दोस्तों ये बारिश वाला क्यों हुए और ठंडा ठंडा क्यों हुए। हाँ कुछ देर में हो सकता है दोस्तों की बारिश भी होने लगे। और विराट को देखिए स्टूल पे ही गाड़ी बना दिया है क्या? हाँ जाओ जाओ जा चल जाओ नानी के यहाँ, नानी के यहाँ चल जाओ, चलते रहते। और आप लोगों को दोस्तों बता दूं जितने भी दोस्तों कचरा कल सूख गए थे ना, यहाँ पे जो कचरा रखे हुए थे उसमें दोस्तों आग लगा दी है, उसे जला देंगे। हाँ नहीं तो बारिश होंगे तो पूरा कचरा है जो कि भींग जाएंगे। चिक्कू के पापा जी सोचे कि बारिश से पहले ही जला देते हैं तो जल जाएंगे। और अभी सुबह का समय और छोटे छोटे दोस्तों कचरे रहेंगे ना उसे दोस्तों फिर से चुनूंगा, चुन करके ना फिर इकट्ठा करूंगा फिर जला दूंगा। मतलब साफ सफाई पे दोस्तों बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। और वीडियो को ना 3 घंटे बाद दोस्तों कंटिन्यू कर रहे हैं और अभी दोस्तों यहाँ का नजारा आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों जितने भी कचरे थे ना आसपास में उसे दोस्तों सारा कचरे को ना हम लोग जला दिए हैं। और ये देखिए जल करके दोस्तों राख हो गया है, इधर देखिए। और यहाँ पर दोस्तों बहुत ज्यादा कचरे थे उस साइड में भी, इधर साइड में भी। तो अब आप लोगों को ना यहाँ पे ज्यादा कचरा नहीं दिख रहे होंगे पहले के मुकाबले, तो धीरे धीरे करके दोस्तों सारा कचरा को साफ सुथरा कर दूंगा ताकि यहाँ पे साफ सुथरा रहे, अच्छा वातावरण रहे। और एक दोस्तों डस्टबिन है जो कि खरीद लूंगा जिसमें दोस्तों डस्ट डालूंगा ऐसा मैं सोच रहा हूँ ताकि साफ सुथरा रहे। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताएं दोस्तों ये वीडियो आप सभी लोगों को कैसा लगा।
अगर अच्छे लोग दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज सब लोग को एंड में अकेले कर रहा हूँ क्योंकि गुड़िया जी सो गए हैं बच्चे को लेकर के, इसलिए पिछले वीडियो में आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आप सभी को अच्छा लगा, अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो लोग चैनल पर सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो लोग में, तब तक के लिए बाय बाय।